हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने की 20 तारीख यानी 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी भी एनडीए और एमबीए में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के घर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में क्या हुआ और एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर कौन सा नया फॉर्मूला तय किया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश शर्मा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। चुनाव से पहले महायुति यानी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी कश्मकश खत्म होते नजर आ रही है। इसमें नया फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 151 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट वाली 84 सीटों पर और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान भी जल्द हो सकता है। वहीं बात अगर महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए की करें तो एमबीए में 233 सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। वहीं 55 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। वहीं बात अगर सीट शेयरिंग की करें तो एमबीए में शामिल कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना करीब 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शरद पवार गुट वाली एनसीपी की 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है। अगर प्रदेश के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहां इस समय शिवसेना के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिन्होंने पुरानी शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था और राज्य में सरकार बनाई थी। इस सरकार में एनसीपी का अजीत गुट भी अब शामिल हो चुका है। इस बार राजनीति के साथ महायुति एनडीए यानी शिंदे गुट वाली शिवसेना, बीजेपी अजीत पवार वाली एनसीपी और महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के बीच नाक की लड़ाई भी होने वाली है। महायुति अपने मुफ्त वाली स्कीमों के साथ चुनाव में उतरेगा तो महाविकास अघाड़ी दल बदल और पार्टी में तोड़फोड़ से सत्ता छीनने के बाद बदले की लड़ाई लड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।